हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। एंड गाइस, आप लोगों का स्वागत हमारी इस एक्साइटिंग सीरीज के अंदर, जिसमें हम लोग कर रहे हैं भाई सोलो रैंक पोस्ट। एंड भाई पे आप लोग इस सीरीज का भाई 20वां एपिसोड देख रहे हो। भाइयों कसम से मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि भाई हम लोग इस सीरीज का भाई 20वां एपिसोड अपलोड करने वाले हैं। भाइयों आप सभी लोगों का इतना प्यार रहा ना भाई, इसी वजह से हम लोग यार इतना एपिसोड बना पाए। तो आप सभी लोगों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं जितना बोलूं वो तो कम है, लेकिन भाई वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे मेरा स्कोर देख सकते हो। अभी के टाइम पे भाई मैं हूँ 568 बंदों के अंदर। अब देखते हैं भाई हम लोग कितनी रैंक बढ़ा पाते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। भाई देखो, एक लाइक आपके लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरे को मोटिवेशन बहुत मिलती है एक मजेदार एपिसोड बनाने के लिए। एंड गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और अगर आप लोगों का कुछ भी लिखने का मन नहीं है तो भाई मैं कुछ गलत काम करने के लिए नहीं कह रहा, बस आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भाई जय श्री राम तो लिख ही सकते हो। भाई अब राम भगवान का नाम लेके हम भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी के टाइम पे मेरे 4 किल है। एंड भाई एक बंदा पीछे से मार रहा है, अब फटाफट से इसको मारते हैं। ओके भाई जल्दी, भाई डैमेज तो बहुत ज्यादा है, बस एक गोली का बच गया यार वो, लिटरली भाई एक गोली का बंदा बच गया। एक काम करते हैं ना, फटाफट से उसके पास चलते हैं एंड भाई फिर उसको मार के आते हैं। ओके भाई, इसके घर के पास तो मैं बिल्कुल पास में तो आ ही गया। एंड भाई ये खुद ही कूद गया, चलो फटाफट से मारने की कोशिश करते हैं। एंड इसको ना मैं यूजीआई से मारने की सोच रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ओके आ गया भाई साहब, मैंने इसको यूजीआई से ही मार दिया। एंड यही पे हो चुके भाई हमारे 5 किल। एंड एनिमी भी बोलेगा भाई गजब भेजती है। भाइयों एनिमी की तलाश से हम यहाँ पर तो आ गए। एंड भाई यहाँ पे एक एनिमी ना पता फायर कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। लेट्स सी भाई बंदा किधर है, भाई आसपास ही कर रहा था। ओके ये रहा, चलो भाई इसको तुमने मार दिया, ट्रोगन क्या ही चलती है। बट भाई हमारे को भाई इसने मारने में पहुंचा दिया था, वो तो अपने पास ट्रोगन थी जिसकी वजह से हमारा कुछ नहीं कर पाया। हाँ वैसे अगर इसके पास ट्रोगन होती ना तो भाई ये पक्का हमको मार ही देता। एंड भाई पे आप लोग देख सकते हो भाई अब जोन भी आ रहा है, तो फटाफट से जोन के अंदर चलते हैं। भाई मैं मजे से जोन में जा रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर एनिमी फाइट कर रहे हैं आपस में। ओके भाई ये तो मरने वाला है। अबे यार इसने ग्लूवल लगा ली, चलो इसकी ग्लूवल फोड़ते हैं। लेकिन यार वो नारिय कैरेक्टर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लूवल मतलब फूटेगी नहीं। तो फटाफट से हम लोग जोन के अंदर चलते हैं। एंड भाई ये तो मर ही गया, ये कैसे मर गया पता नहीं चला भाई मुझे। भाई मैं इसको फुल डैमेज देता, लेकिन भाई पता नहीं है मर कैसे गया, इतनी देर बाद क्यों मरा। अगर इसके पास सोनिया भी था तो यार वो तो जल्दी मर जाना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, हमको किल मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक काम करते हैं फटाफट से इनको लूट लेते हैं। एंड भाई फिर से अपन लोग चलते हैं जोन के अंदर, मतलब यार जोन को नहीं छोड़ना है भाई। अगर जोन से हम मतलब बाहर रह गए ना, बस समझ जाओ यार हमारे को कोई थर्ड पार्टी करके मारेगा, या फिर हमें कैसे भी ना करके कोई ना कोई तो मार ही देगा, या फिर जोन ही खुद एलिमिनेट कर देगा हमको। अब हम लोग जोन में तो पहुंच ही लिए। एंड भाई यहाँ पे मैंने ड्रोन यूज करा ताकि मेरे को एक एनिमी की लोकेशन पता लगे, मतलब किसी भी एनिमी की। एंड यहाँ पे एक एनिमी है। ओके चलो भाई ये खड़ा हो रहा है, लूट रहा है मतलब, चलो इसको हेडशॉट बना के मारते हैं। ऑफलाइन था या लूट रहा था पता नहीं भाई, लेकिन लूटने में इतना मगन हो गया कि भाई इसने देखा ही नहीं कि इसको डैमेज दे रहा है कोई। और इसी के साथ हमारे भाई 8 किल हो चुके हैं। एंड हमारे अलावा भाई 3 बंदे और बचे हैं। अब भाई इसके पास बढ़िया बढ़िया लूट है, इसको फटाफट से लूट लेते हैं एंड फिर और एनिमीज को भी ढूंढते हैं, क्योंकि देखो भाई इतने बड़े जोन में 3 बंदे बचे हैं, यानी कि उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ओके ओके एक एनिमी भाई गाड़ी लेके आ रहा है अपने पास ही आ रहा है, चलो देखते हैं ये लूटने आता। चलो भाई हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं। एंड भाई इसके हेडशॉट लगा है पर थोड़ा बहुत मतलब बॉडी शॉट भी लगे, अब ये नॉक हो जाएगा। एंड भाई इसके साथ ना एक काम करते हैं, क्लियर नहीं करते इसको अभी ना भाई, मतलब रिवाइव कर करके मारेंगे। ओके भाई टीम अप नहीं कर रहा मैं, भाई तेरे को नॉक करूंगा वापस से, सोच रहा था टीम अप करूंगा इससे। ओके भाई अब नहीं कर रहे भाई, इसके पास अब मतलब होरिजलाइन है, होरिजलाइन से क्या करेगा ना मेरे को मार सकता है, क्योंकि इसको ज़्यादा हेल्थ मिलेगी। तो भाई इसलिए मैंने भाई इसको मार ही दिया एंड इससे होरिजलाइन ले लिया, बिकॉज मेरे पास भी होरिजलाइन नहीं था। और फटाफट लूट के चलते हैं भाई जोन के अंदर, क्योंकि भाई अब जोन भी बन चुका है हमारा, मतलब लास्ट जोन भी बनने वाला है जल्दी। जोन में आते आते मैंने भाई ड्रोन यूज कर लिया एंड भाई यहाँ पर एक एनिमी की लोकेशन दिखा रहा है, फटाफट से इसको मारते हैं। ओके भाई इसको तो हेडशॉट ही पड़ गया, चलो जो कि बहुत ही बढ़िया है। हमारे 10 किल तो हो चुके हैं कंप्लीट। एंड भाई हमारे अलावा एक बंदा और बचा, उसको देखते हैं भाई वो किधर छुपा हुआ है। बट भाई ड्रोन के अंदर तो नहीं दिखा रहा भाई, ऐसी फालतू की फायर कर देता हूँ ताकि भाई उसको मेरी लोकेशन पता चल जाए एंड भाई वो रस कर दे। लेट्स सी भाई बंदा किधर है, पता नहीं यार कहाँ तो छुपा हुआ है वो गेम के अंदर। यार आधा घंटा हो गया बंदे को ढूंढते एंड फायर भी कर रहा हूँ भाई फ्री का, तब भी भाई बंदा आ नहीं रहा। ओके चलो आ गया, इसको हेडशॉट मारने को इस करते हैं भाई, हेडशॉट से मारेंगे इसको, बॉडी शॉट से नहीं मारेंगे। जल्दी से सामने आ यार, यार इसका मतलब यार बहुत जल्दी ग्लोवल लगा ले रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। भाई डैमेज भी नहीं है तब भी यार, इतना डैमेज थोड़ी है यार, जल्दी सामने निकल। अरे भाई उसने मेरे को ही हेडशॉट मार दिया यार, गेम गया मेरा लगता है भाई। अबे यार ग्लूवल भी नहीं लगा पाया, अपने कवर भी नहीं कर पाया, वो आ रहा बहुत स्पीड में यार, क्लियर ना कर दे। फटाफट से ग्लूवल लगाता हूँ, नहीं एक बार हेल्थ भर लेता हूँ। नहीं भाई पास में आ गया, ग्लूवल लगाता हूँ फटाफट से। अबे यार इधर से मार देगा, चलो ठीक है अब ठीक है, अब ये नेट करेगा इसलिए भाई सबसे पहले मैं सुपर मार्केट भरता हूँ। एंड भाई ये खोल के इसको बाहर निकलते हैं फटाफट से एंड इसको मारने की कोशिश करते हैं। ओके भाई इसको मैंने मार दिया भाई, हेडशॉट से नहीं मारेंगे इसको, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक बंदा था। एंड यही पे हमारे 11 किल हुए हैं। अब भाई देखते हैं हमारी कितनी बढ़िया, आपने कोने में देख लिया होगा वैसे
26 बढ़िया इस मैच के अंदर। एंड गाइस इस मैच के अंदर हमारे पास ड्रैगनोर बाई ट्रोगन है एंड उसी के साथ हमारे 4 किल भी हो रखे हैं। गाइस एक मैच में ना मैं उतर के मर गया था जिस वजह से इस गेम के अंदर भाई मेरी हल्की लो भी आई है। तो भाई इस मैच के अंदर हम पूरी ट्राई करेंगे ओनली वन टैप खेलने की, यानी कि सिर्फ भाई बंदों को हम वन टैप मारेंगे ड्रैगनोर से। भाई ट्रोगन से वन टैप नहीं लगते, ना ही हेडशॉट लगता है उससे, बॉडी शॉट ही मारेंगे। इसलिए मैं खुद से पूरी कोशिश करूंगा कि भाई मेरे आसपास कोई एनिमी ना आए, मैं लॉन्ग रेंज में रहूं ताकि भाई हेडशॉट मारूं बंदों को। ओके भाई सामने एक बंदा है, आप लोगों ने भाई यूएवी में देख लिया होगा, तो फटाफट से इसके पास चलते हैं। लेट्स सी भाई बंदा किधर, ओके इधर सर्वाइव कर रहा है, हेड बना के मारते हैं भाई। ये भी हमको देख रहा है स्नाइपर ना, ओके भाई इसके पास स्नाइपर नहीं है, बट यार ये मतलब एसकेएस वगैरह चला रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भाई ये बंदा ना सामने नहीं आ रहा एंड भाई इसको हेडशॉट मारना थोड़ा मतलब यार मुश्किल हो सकता है, क्या पता इसको बॉडी शॉट से ही मारना पड़े। बट देखते हैं भाई, अब तो आया सामने, ओके चलो इसको हेडशॉट तो पड़ गया एंड यहीं पे हो चुके हमारे 5 किल। भाई साहब बहुत ही बढ़िया वाला वन टैप पड़ा है, उसको फटाफट से लूटते हैं एंड फिर देखते हैं भाई आगे हमें क्या करना है। भाई भाई ये तो अखंडी बंदा था यार, ये मतलब सर्वाइव कर रहा था भाई, K98 यूज कर रहा था। भाई सामने एक बंदा आ गया गाड़ी लेके, फटाफट से इसको मारने की कोशिश करते हैं। अबे भाई गाड़ी कहाँ भाग के लेके जा रहा है, मेरे को लगा भाई शॉर्ट रेंज में लड़ेगा। चलो भाई मैंने इसको हेडशॉट मारने की कोशिश तो करी लेकिन एक भी गोली नहीं लगी। मैं उसको भाई अभी मतलब ऐसी डराने के लिए गोली मार रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचना है कि मैं बॉडी शॉट क्यों मार रहा हूँ। एंड इतनी रेंज मतलब इतनी रेंज पर भाई हेडशॉट नहीं लगने वाले, बॉडी शॉट लगेगी। ओके भाई इसको तो बॉडी शॉट से मारना पड़ेगा क्योंकि भाई हमारा किल नहीं जाना चाहिए एक भी। तो यहीं पर हमारे 6 किल हो चुके हैं, अब इसको मारने की कोशिश करता है फटाफट से। अबे भाई कोई और थर्ड पार्टी कर रहा है, अबे यार इसको पता नहीं क्या चुल हो रही है, पहले इसको देखते हैं भाई कौन है। अबे भाई अपने पर ही लॉन्चर फोड़ दिया उसने, चलो डैमेज तो दिया भाई, कुछ देर के लिए शांत रहेगा, चलो एटलीस्ट भाई कुछ देर के लिए शांत रहेगा वो। अब इसको मारता है फटाफट से, भाई ये तो सामने ही नहीं आ रहा यार, भाई बहुत गंदा वाला कैंप कर रहा है ये। बड़ी रैंक पर होगा तभी इतनी ज़्यादा मतलब कैंप कर रहा है भाई ये, वरना भाई जो छोटे रैंक वाले बंदे होते हैं ना सीधा रस कर देते हैं। भाई देखते हैं क्या होता है यार, क्या कर रहा है यार ये, आई डोंट नो भाई। ओके चलो इसको तो वन टैप पड़ गया एंड भाई इसके पास यार अगर दिमित्री नहीं हुआ तो चलो भाई क्लियर हो गया फटाफट से। अब भाई अगले बंदे की तरफ भी चलते हैं लूट के। ओके भाई लूट तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वेस्ट अपग्रेड कर ली है भाई, सुपर मेडिकेट है इसके पास, जल्दी से उठा लेते हैं सुपर मेडिकेट। भाई मेरी फेवरेट है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे गेम के अंदर अगर आखिरी में हिल बैटल हुई तो। हाँ चलो अब देखते हैं भाई आखिरी बंदा किधर है, मतलब आखिरी बंदा तो नहीं जो मेरे को फायर कर रहा था वो किधर है, आखिरी बंदा क्यों बोल रहा हूँ। हाँ चलो भाई ये रहा, बट ये बहुत ज़्यादा रेंज में है, इसके हेडशॉट नहीं पड़ेगा इसे। यार एक और बंदा, अबे भाई साहब अभी मरता मरता बचाओ भाई, वो नीचे वाला मतलब यार हरकतें कर रहा और ये ऊपर वाला एक और आ गया, पहले इस नीचे वाले को मारने की कोशिश करते हैं। नहीं लग रहा यार ये मूवमेंट मतलब बूट वॉक कर रहा है ना, इसमें हेडशॉट मारना इतना मतलब आसान नहीं होता, देखते हैं भाई क्या होता है। सामने आना, ओके भाई इसको वन टैप तो मार दिया, बट यार डर है कि ऊपर वाला को मेरा किल चोरी ना कर ले। चलो भाई वो तो क्लियर हो गया, मेरे को लगा दिमित्री यूज़ कर रहा है, ग्लूअल लगाई थी उसने। ओके भाई इसको कोई और मार रहा है, फटाफट से जाके मारते हैं। अबे भाई यार मैंने इसको वन टैप मार दिया, ये किसी और से लड़ रहा था मतलब इसको कोई और डैमेज दे रहा था लेकिन भाई हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। भाई कौन डैमेज दे रहा था उसको पहले वो भी देखेंगे, अभी पहले बड़ा से भाई मैं हेल्थ भर लेता हूँ, क्या पता कोई मेरे को ही टपका के चले जाए। और भाई फिर इस मैच के अंदर हमारा बुया लेना सपना ही रह जाएगा, यानी कि हमको थोड़ा बहुत संभल के भी खेलना पड़ेगा। फटाफट से मैंने लूट तो लिया है, अब देखते हैं भाई एनिमी किधर है। भाई मैं लूट वगैरह करके घूम रहा था बट मेरे को पता लगा ऊपर फैक्ट्री के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है, देखो भाई मैंने उसको डैमेज हो दिया है। बट भाई ये ग्लूवल लगा ली उसने एंड वो खतरनाक ही बंदा है भाई, ग्लूवल मतलब बढ़िया तरीके से स्पीड में लगाइए, बट बाहर उधर जाऊँ या फिर ना जाऊँ क्योंकि भाई शॉर्ट रेंज की फाइट होगी तो मैं उसको हेडशॉट ही नहीं मार पाऊंगा। वैसे हेडशॉट तो मैं अभी नहीं मारने वाला क्योंकि भाई ये खतरनाक बंदा है, क्या पता हमारा बुइया रह जाए। ओके इधर एक बंदा है, इसको वन टैप, अबे भाई इसने ग्लूवल लगा ली, फटाफट से जाके मारते हैं, उसको किल चोरी हो जाएगा वरना, मतलब उसका किल चोरी करना था हमको, बट यार उसका क्लियर हो गया यार, मतलब एक किल हमारे हाथ से छूट गया वरना भी हमारे 10 किल हो जाते, बट इसको मारना जरूरी है। अब बॉडी शॉट से मार दूँ कैसे भी, चलो भाई इसके हेडशॉट तो लग गया, बॉडी शॉट मारने की जरूरत नहीं है, बट यार नॉक हो जाएगा यार, शिट नॉक हो गया एंड भाई इसके मतलब पैर वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं। अब भाई ये वापस से रिवाइव हो जाएगा एंड हो सकता है क्या पता ये हमको मार दे, तो भाई हमें थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा एंड जोन भी आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके दिख रहा है भाई, दिख रहा है, चलो भाई ये भी किल हो गया, अब हमारे अलावा मतलब एक ही बंदा बचा है एंड उसको मारते हैं, देखते भाई किधर है एनिमी। अब भाई एनिमी की लोकेशन देखने के लिए मैंने यूज़ करा ड्रोन एंड भाई देखते हैं उसकी लोकेशन किधर है फटाफट से। भाई साहब यार यहीं कहीं होगा आसपास, देखते हैं। ओके चलो भाई दिख गया, अब फटाफट से इसको मार के आते हैं, पहले भाई देखते हैं किधर है, पत्थर के पीछे है क्या। मैंने भाई फ्री की गोली चलाई है मतलब ताकि उसे पता लग सके कि भाई मैं इधर हूँ। चलो भाई इसको हमने वन टैप तो मार ही दिया है एंड भाई इस मैच में हमारे 11 किल के साथ हो चुका है बुइया एंड कितनी बढ़िया आप लोगों ने कोने से देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ इस मैच के अंदर हमारी बढ़िया पूरी की पूरी 27 और यहीं पे हमारी 3 बुइया की स्ट्रीक भी हो गई, यानी कि जिस मैच में मेरी माइनस हुई थी वो मैंने 3 गेम पहले मतलब माइनस करवाई थी। अब भाई इस मैच के अंदर हमारे पहले से भाई 3 किल हो रखे हैं। अरे भाई एक आदमी आ गया, अबे भाई भाई
यार तो खतरनाक बंदा लग रहा है, यही बहुत देर से किल कर रहा था। यहीं पे भाई मैं इसको देखने आया था, कौन है यार ये? भाई साहब तेज तेज भाग रहा है, देखते हैं बराबर से मारते हैं भाई, डैमेज तो है, इसको भरने का मौका। अबे भाई इसको किसी और ने मार दिया भाई, इसने हमारा किल चोरी कर लिया, किल चोर खा जा रहा है, फटाफट से उसको मारते हैं भाई। यहाँ पे हमारे 4 किल हो चुके हैं भाई, वो नोके है फिर मर गया यार, वो मर गया एंड यार हमारे इसने किल चोरी कर लिया, वरना भी 5 किल हो जाते हैं। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वैसे भी मेरे को एक किल से कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला। भाई हमारे पास ड्रैगनम नहीं है एंड हमें जोन में, अरे भाई इसके पास ड्रैगनम, फटाफट से ड्रैगनम उठा लेते हैं एंड भाई हमें जोन में भी जाना है तो हमें जोन के अंदर भी निकलना पड़ेगा फटाफट से। ओ भाई सुपर मेडिकेट भी है इसके पास एक, फटाफट से यार कूड़ा कवारा निकालो एंड मेडिकेट उठाते हैं एंड भाई सिलेंसर फेंको यार, बेकार लगता है सिलेंसर, फिर से लग गया सिलेंसर यार, सिलेंसर के साथ यार बेकार चलती है, हेडशॉट नहीं लगते भाई। फटाफट से लूट के चलते हैं जोन के अंदर। गाइस हम लोग आ चुके हैं जोन के अंदर एंड यहाँ पे हमारी लूट कंप्लीट हो रखी है बिल्कुल एंड बस हमें चाहिए तो किल। ऊपर एक एनिमी किसी से फाइट कर रहा है, ओके भाई ये वुकुंग बना हुआ है तो भाई ओके चलो ये मर गया एंड यहाँ पे एक और एनिमी, इसको हेडशॉट मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि भाई ये बंदा नीचे ही है। अबे यार बॉडी जोर जा रहा है भाई साहब, ग्लोबल लगा ली। चलो अपन भी भाई हेल्थ वगैरह भरने की कोशिश करते, मतलब हेल्थ तो नहीं वेस्ट अपग्रेड करते। चलो यार इसको हेडशॉट लग गया एंड भाई बहुत ही बढ़िया वाला हेडशॉट लगा और इसी के साथ हो चुके भाई हमारे 6 किल और हमारे अलावा बचे हुए 9 बंदे। तो इस मैच के अंदर हम लोग भाई 10 किल करने की तो कोशिश करें। उस एनिमी को लूट लाट के मैं आ गया इधर एंड भाई इधर सामने एक एनिमी है जो कि फायर कर रहा था। ओके चलो ये रहा, बाहर आया, चलो संभालने की कोशिश करते हैं। 60 60 60 भाई साहब ग्लूवल लगा ली उसने, लॉन्चर फेंकते फटाफट से। नीचे कूदने वाला है क्या, नीचे ग्लूवल लगाई है या फिर गलती से लग गई, चलो देखते हैं क्या होता है। सोनिया एक्टिवेट करा है बट वो नोक नहीं, मतलब सोनिया बोल रहा हूँ, दिमित्री ऑन करा लेकिन यार वो नोक नहीं हुआ बिकॉज इतना डैमेज मैंने दिया ही नहीं अभी। ओके चलो देखते हैं, चलो भाई नोक तो हो गया ये, अब उसको भाई क्लियर ही कर देता है, ग्लूवल क्या लगाऊंगा। चलो भाई क्लियर हो गया, यहीं पे हो चुके हमारे 7 किल भाई। खतरनाक एनिमी था भाई, डैमेज इतना ज़्यादा दे दिया, अभी तो भाई मेरे को मार ही देता। अब भाई इधर एक और एनिमी है जिसने अभी किल करा है, देखते हैं भाई क्या होता है। भाई साहब हमारे सामने किल मतलब कर रहा है एक तो, और भाई मतलब छुपने की कोशिश कर रहा है, अभी देखते हैं फटाफट से। अबे भाई भाई चलो भाई यहाँ पे हमारा ये भी हो चुका है किल, एक और बंदा आ गया भाई साहब। भाई शुक्र है कि एक साथ नहीं आए, मतलब एक साथ मेरे पे फायर नहीं करा, अलग अलग आ रहे हैं एक एक करके, चलो जो कि सही बात है। भाई कहाँ पे है ये? अच्छा अबे भाई नीचे था, मैंने ध्यान नहीं दिया एंड भाई पीछे से एक और बंदा आ गया। भाई मैं यही बात कर रहा था कि एक साथ मत आया करो भाई, सेकंड ऑफ ग्लोल फोड़ ले रहा है यार, ये क्या कर रहा है यार। अबे भाई आगे की फोड़ दिया भाई, इसको मारते पहले। चलो भाई 2 मिनट के लिए शांत होगा ये भाई, इतने हमें भाई बचने का मौका मिल जाएगा। फटाफट से भाई मैं एक मतलब पक्के कवर की तरह चलता हूँ भाई, ग्लूवल तो इनके सामने चल ही नहीं रही, सेकंडों में फोड़ दे रहा है ग्लूवल यार ये। भाई साहब भाई मेरे तो ऐसी तैसी कर दी थी इन्होंने। चलो यहाँ से लॉन्चर उठाते हैं, अब देखते हैं भाई किधर है एनिमी, पहले इसी से लड़ते हैं फिर दूसरे वाले को खुद देखेंगे। भाई सामने आ, 1 टैप तो पड़ा लेकिन यार अगला हेडशॉट नहीं मार पाया क्योंकि भाई मार भी नहीं सकता था, इसने मेरी पूरी ऐसी की तैसी कर दी और वेस्ट भी ख़त्म कर दी मेरी। अब देखो भाई अगले बंदे से फाइट तो होती रहेगी, फटाफट से पहले मैं अपनी वेस्ट ले लेता हूँ, इसमें से कोई वेस्ट मिल जाए या फिर भाई वो जो वेस्ट को मतलब रिपेयर करने वाले होते हैं ना रिपेयर किट, वो मिल जाए तो भाई अपना काम बन जाएगा। वैसे लेवल 3 की वेस्ट मिल रही है, अब भाई वेस्ट नहीं मिल रही तो क्या दिक्कत है, लेकिन भाई अपने पास हो चुके मतलब रिपेयर किट मिल चुकी है हमें बहुत सारी, तो भाई अपन रिपेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई अब तो जोन भी आ गया है, मैंने फटाफट से रिपेयर तो कर ली अपनी वेस्ट को एंड भाई मैं फायर कर रहा हूँ ताकि भाई एनिमीज़ को मेरी लोकेशन पता लग जाए एंड वो मेरे पे रस कर दें, लेकिन यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी एनिमी है ही नहीं आसपास, पता नहीं कहाँ कहाँ तो सर्वाइव करते हैं लास्ट के जोन में। भाई यार चलो एक बंदा तो मेरे फायर कर रहा है, अबे भाई बहुत डैमेज दे दिया इसको, 1 टैप मारेंगे। चलो भाई इसको तो 1 टैप मार दिया एंड यहीं पे एक और बंदा बचा है जो कि पता नहीं किधर छुपा हुआ है, भाई उसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। भाई लास्ट जोन में ऐसा ही होता है कि नहीं यार ये बंदे ना सर्वाइव बहुत ज़्यादा करते हैं एंड भाई मिलते भी नहीं। ओके चलो भाई ये तो मिल गया, सामने से फायर कर रहा है, इसको 1 टैप मारने की कोशिश करेंगे। चलो भाई इसको तो क्या ही मस्त वाला 1 टैप मारा भाई, रोक एफ वाली वाइब आ गई एंड भाई यहीं पे हमारे 11 किल के साथ ये वाला मैच भी 11 किल ही कर पाए एंड भाई इस मैच के अंदर ही हमारी 26 बढ़िया एंड 5 बुइया की हमारी स्ट्रीक हो चुकी है। अब भाई फटाफट से आपको अपने भाई मतलब स्कोर दिखाता हूँ एंड भाई दिखाता हूँ कि हम लोग रीजन के अंदर कहाँ पर आ गए, लेकिन भाई स्कोर वगैरह को देखने से पहले यार प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। फिर से बता दूं यार देखो ये चीज तो बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे मेरे को मोटिवेशन बहुत मिलती है एक और ऐसा मजेदार एपिसोड बनाने के लिए। ओके बहुत ज्यादा मांग ली भी, फटाफट से आपको अपना स्कोर दिखाता हूँ कि हम लोग कितने लोगों के अंदर आ गए। आप लोग देखो तो हम लोग आ चुके भाई 546 बंदों के अंदर, भाई पूरी इंडिया के अंदर 546 नंबर पर, भाई बहुत बड़ी
बड़ी बात है जो कि सही है भाई। वहीं पे देखते हैं भाई विंस के अंदर हम लोग भाई कहां पे आ चुके हैं, रीजन के अंदर, विंस के अंदर आप लोग जाके मेरी आईडी देख सकते हो, रीजन के अंदर जाके, ठीक है, सोलो विंस में वो भी 17 नंबर पे है, वो भी भाई 249 विन के साथ। एंड मैं ऊपर नीचे भी हो सकता हूं इस नंबर से, आप लोगों को पता है, ये डिपेंड करता है कि मैं गेम कितना खेलूंगा या फिर नहीं, ठीक है। एंड ये पे आप लोग भाई रीजन मतलब हमारे जो किल के रीजन है उसमें देख सकते हो भाई, सोलो में मैं 37 नंबर पर, वो भी भाई 3372 किल के साथ। और इसी के साथ भाई मैं आपको अपनी केडी दिखा देता हूँ, जो कि इतनी खास तो नहीं है लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ ओवरव्यू में जाके डिटेल्स में। ये रही भाई हमारी केडी 5.60 की, जो कि केडी रेशियो है हमारा, एंड जो कि इतना खास तो है नहीं लेकिन हाँ भाई मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, आपके हिसाब से हो या ना हो बट मेरे हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि यार इसके लिए बहुत मेहनत करी है। एंड दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।